सोनमर्ग सो ब्यूटिफुल एंड सो डिफरेंट। गुलमार्ग एक्सप्लोर करने के बाद हम श्रीनगर होते हुए सोनमार्ग के लिए निकल गए। बहुत सारे डिफरेंट माउंटेन्स देखते हुए एंड सिंध रिवर के साइड पे चलते हुए वी रीच सोनमार्ग इन द इवनिंग, चेक्ड इन टू अवर होटल, देन आई टुक आउट माई स्केटबोर्ड फॉर अ शॉर्ट राइड इन द सोनमार्ग टाउन। ऐसे पहाड़ तो मैंने कभी नहीं देखे। इट लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हमारे पास बस कल एक दिन है, परसों हमें निकलना है पहलगाम के लिए, सो जस्ट गेटिंग अ ले ऑफ द लैंड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमार्ग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे एंड दैट इज अवर होटल। एंड होटल के बैक साइड में ही देखिए मस्त सिंध रिवर बह रहा है एंड दिस फ्लोस ऑल अलोंग द सोनमार्ग वैली। सो इसी रिवर के अलोंग सोनमर्ग का जो मेन रोड है वो जाता है एंड इसी के अलोंग आपको बहुत सारे स्टेज मिल जाएंगे। तो एज यू नो दिस इज माई 3rd time इन कश्मीर, बट दिस इज माई 1st time इन सोनमर्ग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिससे भी पूछा था उसने बोला पहलगाम और गुलमर्ग ज़्यादा सुंदर है। आई कैन नॉट से वेदर इट्स मोर ब्यूटिफुल देन पहलगाम और गुलमर्ग, बट इट्स डेफिनेटली वेरी डिफरेंट। तो नॉर्मली वैलीज ऐसे होते हैं, राइट, ग्रेजुअल होते हैं, तो आपको पहाड़ दूर दूर दिखते हैं, बट सोनमर्ग के पहाड़ बहुत स्टीप है, तो वैली इज लाइक दिस एंड इट्स अ स्मॉल क्वेंट टाउन इन दिस वैली। सो आप हर जगह देखोगे द माउंटेन्स लुक सो मेजेस्टिक एंड एकदम पास में लगते हैं। हमारे ड्रोन पे अटैक होने वाला है। ओ, ये देखिए, इसने शुरू किया एंड ये हमारे ड्रोन के पीछे पड़ गई है। सोनमर्ग में मेन दो चीज़ें हैं करने के लिए। एक तो आप गाड़ी का ट्रिप ले सकते हो विच विल टेक यू टू अ कपल ऑफ पॉइंट्स एंड द मेन पॉइंट इन दैट इज 0 point एंड द अदर थिंग इज थजुअस ग्लेशियर। तो वो जो आइस दिख रहा है ना, दैट इज थजुअस ग्लेशियर एंड वहाँ पे आप जाने के लिए या तो ट्रैक कर सकते हो या घोड़े ले सकते हो, सो दैट इज अनदर ऑप्शन। रिकॉर्ड हो रही है। माही वे। सो सोनमर्ग मार्केट से गाड़ी बुक करा के वी हेडेड टुवर्ड्स 0 point, ट्रैवलिंग थ्रू द मोस्ट डेंजरस एंड ब्यूटीफुल रोड ऑफ इंडिया, द जुजिला पास रोड। तो दिस इज 0 point एंड यहाँ पे हमने अभी थोड़ा खाना पीना खाया एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स देयर जहाँ पे आइस दिख रहा है थोड़ा। अभी तो सितंबर का महीना है तो आइस पूरा पिघल गया है, वरना दिस प्लेस लुक्स रियली ब्यूटीफुल अराउंड इवन अराउंड मई जून वेन देर इज लॉट ऑफ आइस रिमेनिंग हियर। ये है 0 point एंड दिस इज द सोर्स ऑफ सिंध रिवर। क्या मस्त है ना भाई ये जगह। So we are leaving this beautiful place now. So this is the highest point और ये point जो है 12,000 feet की height पे है। अगर आपको सोनमार्ग आ रहे हो तो यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। अबे road कितना मस्त था यार यहाँ का। अब यहाँ से हम जाएंगे द्रास वैली। So द्रास is the coldest village of India। इसको 0 point इसलिए कहते हैं क्योंकि उस side आता है पाकिस्तान, उस side लद्दाख एंड पीछे के side कश्मीर। So this is the end of Kashmir and the starting of Ladakh।
नॉर्मली कार सोनमर्ग से 0 point तक का ही लेते हैं, बट वी टुक द कार टिल कारगिल वॉर मेमोरियल इन द्रास, एंड बॉय वॉज इट अ गुड डिसीजन। तो कश्मीर ट्रिप में आपको अगर लद्दाख का छोटा सा स्वाद चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। ये देखिए एकदम लद्दाख टाइप के पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। रखते ये तो सोच के सुबह नहीं उठे थे कि ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे आज, बट हाउ द डे कैन चेंज। पूरे लेह लद्दाख वाले फील से। सो दिस इज द्रास मार्केट। कितना जाता है यहाँ पे टेम्परेचर? -45। अरे बाप रे, हम पहुँच गए कारगिल वॉर मेमोरियल में। पहले नाम को तो आप जानते ही होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन पे मूवी बनी है शेरशाह। Like this no more. Most my life's been waging war. Till I found peace, I could have swore. So yeah, now we'll be leaving the war memorial. ये हमारा आज का last destination था. Now we'll be heading back to Sonmark. On the way back, we took a stop at the beautiful Zojila War Memorial that sits beside this beautiful river. Well, I ain't gonna live like this no more. Trouble comes when the barman pours. आज हम जाएंगे थाजीवस ग्लेशियर, which is up there. So that piece of ice has been there for about 100 years and it never melts. So यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है जाने के लिए। रास्ता क्लियर दिख रहा है, सो वी आर एबल टू फॉलो विदाउट अ गाइड। द ट्रेल इज रनिंग अलोंग दिस ब्यूटिफुल रिवर्स। अमेजिंग। तो हम पहुंच गए ऑलमोस्ट, ग्लेशियर इतना पास दिख रहा है अब। काफी सुंदर लग रहा है ना? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द थाजीवस ग्लेशियर ट्रैक, और दैट इज द ग्लेशियर। जब यहाँ पे अच्छा खासा स्नो होता है तो वहाँ पे एक्टिविटीज भी होते हैं। स्नो रहता है यहाँ पे टिल मई जून तक तो रहता ही है। सो यार दिस इज द फाइनल पॉइंट। यहाँ पे खाने पीने का भी है, सो सेट है, और बहुत सुंदर जगह है यार। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लाइक beautiful pathway in between the mountains. Ha, exactly. मेरे तो पूरे पैर भीग चुके हैं, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तुझे बेस्ट व्यू किस तरफ लग रहा है? हर तरफ देख, चारों तरफ देख। दिस ओके, दिस इज आयशाज फेवरेट व्यू, दिस इज माय फेवरेट व्यू, और दिस कैन बी समवन एल्सेस फेवरेट व्यू, और दिस इज आल्सो नॉट अ बैड व्यू, दिस इज इनफैक्ट अ वेरी गुड व्यू फ्रंट से जो हमारा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ खतरनाक ब्यूटी है। आप किसी भी तरफ घूमो, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं एंड रिवर भी दिख रहा है।
बहुत क्रेजी। ये देखो ये, हाँ ये कितना सुंदर लग रहा है ना, वाओ। जो ट्रैक है वो बहुत सिंपल सा ही है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप चल के ही आओ। एंड हम रुक रुक के आए तब भी हमें जस्ट 1.5 आवर्स लगे, घोड़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा ट्रैक है, सिंपल सा ट्रैक है। बस शुरुआत के 15-20 मिनट थोड़ी चढ़ाई है, तब बस आप गिव अप ना करो। बस उसके बाद फिर 45 मिनट्स इट्स अ वॉक इन दिस फ्लैट वैली। इसी वैली के थ्रू हम इसी रिवर के थ्रू चलते हुए आए। नाउ वी विल बी लीविंग दिस ब्यूटिफुल प्लेस, वी विल गो टू अवर होटल एंड देन यहाँ से हमें निकलना है पहलगाम।